कहते कि धर्म गैर का मंदिर और मस्जिद का झगड़ा यूं मिटाया जाए, बीच में दोनों के एक मैखाना बनाया जाए। अरे यार, ये तो दुर्गा पूजा का विसर्जन वाला ताली था ये, एकदम उलू लुलू लुलू। सरे बनी सरे सनी बामा बनी मामा मरे नीरे सो। हंगामा है कहीं, एक फास्ट वर्जन में अपनी कॉम्पोजिशन सुनाता हूं, मजा आएगा आप लोगों को सुनने। फिर आगे आज लबों पे फिर उनका नाम आ गया, आज लबों पे फिर उनका, जैसे किसी प्यासे के होठों पे एक जाम आ गया। आज लबों पे फिर उनका नाम आ गया, जैसे किसी प्यासे के होठों पे एक जाम आ गया। लड़खड़ाए भी तो गिरे उनकी बाहों में जाकर, आज हमारा पीना ही हमारे काम आ गया। क्या नशा कम है इस जमाने में। भैया जिन्होंने भी हंगामा है की फरमाइश की है, उनको कहना है कि क्या नशा कम है इस जमाने में, फिर क्यों गए तुम शराब खाने में। क्या नशा कम है इस जमाने में, क्या नशा कम है इस जमाने में, शराब खाने में, क्या नशा कम है इस जमाने में, क्या नशा कम है इस जमाने थोड़ी सी कोई नहीं पीता, या तो पीता है या तो नहीं पीता है। कहते हैं कि जाम अभी तैयार नहीं है, जाम अभी तैयार नहीं है, पता चला मैं खाने में, तब तक दिल बहलाता हूं मैं, देर है जब तक आने में। और दे दे शराबे गम साकी, शराब भी है तो कैसी शराब है। कहते हैं ना कि पीने पिलाने के सब हैं बहाने, और कहां की मोहब्बत कहां के फसाने। खुशी में भी पी है और गम में भी पी है मस्ती भरे ये मैके पैमाने, पीने पिलाने के सब हैं बहाने। और दे दे शराबे गम साकी, और दे दे शराबे गम, और दे दे शराब हम साकी। वक्त बाकी, वक्त बाकी है लड़खड़ाने में, वक्त बाकी है लड़खड़ाने में, क्यों कहे तुम शराब खा। क्या नशा कम है इस जमाने में, क्या नशा कम है इस जमाने में।
है। उसको आता है रूठने में मजा, सरे उसको आता है रूठने में मजा। और मुझे बताता हूं, उसको आता है रूठने में मजा, मुझको आता, मुझको आता मजा। सबने किस्मत सवार ली अपनी, सबने किस्मत सवार ली अपनी। राग बैरागी भैरव, सरे मा बनी सरे सानी बामा बनी बामरे बामरे नीरे सा। जितने भी लोग नया नया म्यूजिक सीख रहे हैं उनके लिए एक बड़ा आसान सा राग बता दिया अभी आप लोगों को मैंने, बैरागी भैरव सब लोगों ने सुना है। ये दुनिया एक दुल्हन, तो इस गाने को सुन लो पूरा का पूरा, बैरागी भैरव सीख जाएंगे आप। शेर है कि सबने किस्मत सवार ली अपनी और मैंने क्या किया, सबने किस्मत सवार ली अपनी, सबने किस्मत सवार ली अपनी। कहते कि किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है, ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। लोग जाने कितनों से रोज मिलते रहते हैं, सबसे प्यार हो जाए ये भी क्या जरूरी है। दूसरों के ऐबों को जो तलाश करते हैं, दूसरों के ऐबों को जो तलाश करते हैं, उनको अपना चेहरा भी देखना जरूरी है। किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है। तो सबने किस्मत सवार ली अपनी, सबने किस्मत सवार ली अपनी। और हम रहे गलतियां के आने में, हम रहे गलतियां के आने में, क्यों गए तुम शराब खाने में, क्या नशा है इस जमाने में, क्या नशा इस जमाने।
चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब सा था कोई, ख्वाब थे जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें। क्या समझ आया? राह वो जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। कहते हैं कि थैंक यू सो मच, ये आप लोगों का प्यार है, बाकी बड़प्पन है आप लोगों का प्यार है कि आप लोग मेरे जैसे नाचीज को इतना प्यार करते हैं। बाकी मेरा मानना है कि इतने फनकार भरे पड़े हैं, जहां मैं समंदर में एक तिनका सा हूं वहां आप लोग इतना प्यार करते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मुझको बर्बादियों का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादियों का कोई गम नहीं, जो मुकद्दर में था वो अता हो गया, और मुझसे नजरें चुराते हो तुम किस लिए ऐ मेरे दोस्त, तुमको ये क्या हो गया। किसको अपना कहूं और मैं जाऊं किधर, अब तो डसने लगी दोस्तों की नजर, ऐ खुदा आज कैसी हवा चल गई, जिसको देखो वही बेवफा हो गया। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। मैं बता दूं, मैं जो सुना रहा हूं बेवफा, जुबिन भाई ने जो गाया है वो भी एक अंतरा सुनाता हूँ, और एक जो मोहम्मद अजीज साहब ने गाया था, दोनों का मिक्स करके आप लोगों को सुनाता हूँ। कहता है कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल चांदी है कोई सोना नहीं है, और मेरा दिल है कोई, मैं कातिल की बस्ती में क्यों घर बनाऊं, मुझे अपनी कश्ती डुबोना नहीं है। मेरी बर्बादियों की वजह में कहते हैं कि तू शामिल नहीं, सगम बाबा बाबा बनी पमगा मगा, सगम मगा
कत्ल बाजार में हो गया हूँ, कत्ल बाजार में हो गया हूँ, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं। कत्ल बाजार में हो गया हूँ, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं। आते हैं इस गाने पे भी, लेकिन एक मिसरा आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली एक कंपोज किया था, महराज बिजनौरी साहब कहते हैं, अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया, अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया, अपने पन का जाल और कबूतर मार दिया, अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया। उसने मुझको दोस्त बनाकर पीठ में खंजर मार दिया, उसने मुझको दोस्त बनाकर पीठ में खंजर मार दिया। इसका शेर देखे कितना काबिले गौर है, मैं खुद भी मौसिकी के लाइन से हूँ। कहते हैं ना, जब भी आता है ख्याल इश्क जहन में, जब भी आता है इश्क का ख्याल, जब भी आता है ख्याल इश्क जहन में, तो नीम का रस पी लेता हूँ। मैं एक फनकार हूँ, भूखा भी रहूँ तो क्या अपनी मौसिकी से जी लेता हूँ। लेकिन और ये जो फनकारी आप देख रहे, कहते हैं ना कि यूं ही चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, यूं ही चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दबाए हैं बुजुर्गों के तो कुछ पाया है। बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो कि ये सोशल मीडिया तो ये लाइमलाइट, इसके चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे फनकार पीछे रह जाते हैं। उनके लिए एक शेर महराज बिजनौरी साहब कहते हैं, शोहरत की खातिर लोगों को कलवे चाटते देखा तो, शोहरत की खातिर लोगों को कलवे चाटते देखा तो, शोहरत की खातिर जब लोगों को तलवे चाटते देखा तो, एक फनकार ने अपने फन को घर के अंदर मार दिया, एक फनकार ने अपने फन को घर के अंदर मार दिया। मैंने पूछा के कल शब कहां थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। Thank you.
एक शेर सुनाता हूं। कहते हैं कि अपनी वफा की कुछ इस तरह मिसाल देता हूं, अपनी वफा की कुछ इस तरह मिसाल देता हूं, कोई कुछ पूछे तो टाल देता हूं, और ठोकरे उसी की खाता हूं जिसके पांव से कांटा निकाल देता हूं। इसमें कहते हैं अंकित शर्मा साहब लिखते हैं, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, और हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, वो सितम पर सितम हम पे ढाते रहे, वो सितम पर सितम हम पे ढाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। बस आखिरी शेर कह रहा हूं जाते जाते, जिंदगी में बहुत ज्यादा सीरियसली बहुत चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप जब मंच पे हो तो 100 लोग आपको सुनते हैं, तो 10 लोग नहीं भी सुनते, तो उन 10 लोगों को सीरियसली नहीं लेना है। तो उनके लिए एक शेर है, कोई सुनता नहीं है सुने ना सुने, कोई सुनता नहीं है सुने ना सुने, कोई सुनता नहीं है सुने ना सुने, पर गजल अपनी हम गुनगुनाते रहे, पर गजल अपनी हम गुनगुनाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, बिछाते रहे, बिछाते रहे। मौसम बड़ा सुहाना लगे, ये प्रयागराज की बात कर रहा हूं। इतना सुहाना है कि सुबह से सर्दी हो गई है मुझे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो, के आस पास के लहरों को भी पता न लगे, बगैर आग जलाए धुआं उठा कैसे। शेर गौर करेंगे कि बगैर आग जलाए
धुआं उठा कैसे, कहीं उठा ही नहीं तो फिर यहां उठा कैसे। बगैर आग जलाए धुआं उठा कैसे, कहीं उठा ही नहीं तो फिर यहां उठा कैसे। कहते हैं कि जवान नस्लों को गजलें पसंद नहीं, तो फिर हर एक शेर पे नौजवान उठा कैसे। चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आशियां हम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, साथ वायलन पे हैं संचित चौधरी जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। गिटार पे मिलिंद शेवरे जी, तबले पे हैं आकिद खान साहब, और पर्कशन पे हमारे साथ गौरव पांडे जी हैं, और कीबोर्ड पे तो खैर आपके प्रयागराज का ही एक बेटा है, मेरा छोटा भाई है। आई डोंट थिंक कि नाम बताने की आप लोगों को जरूरत है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इनका नाम है
कुमार सत्यम, इनका नाम सौंदर्य सिंह बॉबी है। नहीं, ये बिल्कुल मेरा छोटा भाई है और मुंबई में मेरे ही साथ रहता है, और जितना अच्छा ये कीबोर्ड प्लेयर है उतना ही प्यारा और छोटा भाई भी है मेरा, तो एक बार इसके लिए जोरदार तालियां। ओ मेरी निगाहों से दूर मत जा, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना। मोहसिन कहते हैं दोस्त यार रकीब को कि मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो, मेरे रकीब हो तो मुझको ये सजा मत देना। कैसी सजा? मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना। आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। क्यों? अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के। दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना। गजल लिखी हुई है सुशील साहिल साहब की, कंपोजिशन मेरी अपनी है। भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, शायद ये हमसे बड़ी हो गई। कैसी भूल? भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। और शेर है, नाम लेता था कल तक मेरा आईना,
सूरत मेरी अजनबी हो गई, आज सूरत मेरी अजनबी हो गई, दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। मैंने सोचा न समझा न जाना जिसे, 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 आज वो ही मेरी जिंदगी हो गई, आज वो ही मेरी जिंदगी हो गई, दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी। जिंदगी की सच्चाई है कि जब आप बुलंदी पे होते हैं तो उसका मंजर कुछ और होता है, और जब आप नाकामयाबी की तरफ होते हैं या जमीन पे होते हैं तो ये शेर जिंदगी से रूबरू कराती हुई ये शेर है। मैं जमीन पे बुलंदी से जब आ गिरा, मैं जमीन पे बुलंदी से जब आ गिरा, मैं जमीन पे बुलंदी से जब आ गिरा, हर तरफ दोस्तों की कमी हो गई, हर तरफ दोस्तों की कमी हो गई, दुश्मनी की
पसंदीदा गजल रही है इन दिनों, पेश कर रहा हूं चंद शेर के साथ, कि चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, और इल्म इंसान को दौलत से नहीं मिलता है, उसकी उम्मीद उसे तोड़ के रख देती है, किसकी उसकी उम्मीद उसे तोड़ के रख देती है, सुख अगर बाप को बेटों से नहीं मिलता है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे वो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है, खामोश लब है उल्फत नहीं है, खामोश लब है झुकी है बल्कि दिलों में उल्फत नहीं है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है, खामोश लब है झुकी है बल्कि बरसात हो रही है, सग पग मग मम मग सनी सग मम प सग बसानी नि दादा दसरे सदा पम ग मधा मग रे रे बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं, बड़ा कमाल का बड़ा नाजुक शेर है कि बमों की बरसात हो रही है और पुराने जाबाज सो रहे हैं, बमों की बरसात हो रही है, पुराने
पसंदीदा शेर रहा है इन दिनों। जो खानदानी रईस है वो लब है झुकी है पलके दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलके दिलों में उल्फत नई नई है। और आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जो खानदानी रईस है वो स्टेज पे बिना चश्मे के बैठते हैं। और खानदानी रईसों की बड़ी तारीफ हो गई, हालांकि ये लिखी हुई गजल है शबीना अदीब जी की, लेकिन एक शेर इसमें मैंने जोड़ा है खुद से लिख के, क्योंकि नई दौलत वालों ने बड़ी बड़ी गालियां दी हैं मुझे इन दिनों। मतलब सारे लोग इस गजल के बाद खानदानी रईस बन गए और मिला जुला के मुझे ही नई दौलत वाला बना डाला है सबने। मैं आज का पोस्ट बताता हूँ, आज मेरे सोशल मीडिया पे जाइए आपको दिखेगा कि टुडे आई एम परफॉर्मिंग इन प्रयागराज, तो उस पे एक बंदे ने कमेंट किया है कि जो खानदानी रईस है वो जाते हैं अयोध्या, तुम्हारा प्रयागराज जाना बता रहा है तुम्हारा। भैया कार्यक्रम यहाँ है तो कहाँ जाऊंगा मैं, आप बताओ, आपने बुलाया प्रयागराज में कार्यक्रम करने के लिए, मैं अयोध्या में जाके क्या करूंगा वहां। तो उन लोगों के दिल की तसल्ली के लिए, नई दौलत वालों के लिए एक शेर मैंने खुद से लिखा है। गजल से थोड़ा आगे बढ़ के सूफियाने की तरफ चले। नैना तू बुरे तुझसे बुरा ना कोई, नैना नैना रे नैना, नैना तू बुरे तुझसे बुरा ना कोई। बात बिल्कुल सही है कि सारा खेल जो है वो आंखों का है, कि नैना तू बुरे तुझसे बुरा ना कोई। कहते हैं कि नजर नजर से गुजरना कमाल होता है, नजर नजर से उतरना भी कमाल होता है, बुलंदियों पे जाना कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। नैना तू बुरे तुझसे बुरा ना कोई, आप ही दिल का रोग लगाए और आप ही बैठा रोई। नैना रे नैना रे नैना नैना, तालियां तो बहुत बजा रहे हैं आप लोग और बड़े रिदम पे बजा रहे हैं, सिर्फ ये एक लाइन आप लोग बोल के बताएं मेरे साथ साथ। मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना। यार इतने सुरीले लोग फिर हमें क्यों बुलाए इतने दूर से आप लोग। कोई नहीं, कुछ तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा मेरे में, इसलिए बुलाया आप लोगों ने, देखते हैं आगे चलते। नहीं आप लोग बाकमाल बड़े सुरीले लोग हैं, एक बार आप लोगों के लिए हम लोग अपनी टीम की तरफ से जोरदार तालियां बजा रहे हैं। मोसे नैना नैना नैना, मोसे
मत
जाएंगे प्रेम आप लोगों की तालियों की आवाज आएगी तो मुझे गाने में ज्यादा बजेगा। क्या बात है, मैं सच बता रहा हूं एक बात की, हजारों स्टेज पे गाया हूं लेकिन इतने लयदार ताली बहुत कम मिलती है, तो इसलिए आप लोग इसको बनाए रखें हमारे साथ। प्रेम बटी तुम्हारी।
चाल मेरी एक आर्या राठौर नाम की छोटी बच्ची खो गई है, उसकी माँ और उसकी बहन बहुत परेशान है। स्टेज से नीचे रहिए, मैं बोल रहा हूँ, और जिसको भी मिले दे दें, बहुत परेशान है और वो कार्यक्रम देखने आई हैं, लेकिन कार्यक्रम बाधित ना हो इसलिए मैं कुमार सत्यम भाई से विशेष आग्रह करके अनुमति लिया हूँ, और जिसे भी मिले बच्ची इन तक पहुँचाएँ और आइए कार्यक्रम से जुड़ते। हाँ जी बिल्कुल, जो भी है आप पहुंचा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक माँ जब भीड़ में अपने बच्चे को खोती है तो उसको क्या दुख होता होगा, उसके लिए भी सारा सुर और ताल बेकार होगा उनके लिए, तो जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग बच्चे को उन तक पहुंचा दें। लाल मेरी बत रखियो बला झूले लाल सिंगड़ी दा सेमन दा सखी शबा गाने बजाने वाले भी हैं, सीखने वाले भी हैं। बेसिकली ये राग यमन कहलाता है, और लेकिन मैं इसमें 6 से 7 राग जोड़ के चलता हूँ, तो यमन का जो बेसिक सुर है नीरे गे गे निध नीरे मामा दम गरे गरे निध नीरे गम बगाम मारू बिहार ने समा मग मग मैं दुखी यारी मरते जावा। सिर्फ एक सुर मैंने कोमल धैवत रखा है यमन में, नीरे गागा नीरे मामा पापा दमा बागा मारे मामा ये कहलाता है राग लतांगी। पावा मगा मनी दबदा मगा मगर ने सगा मगरे राग चंपाकली। मैं दुखियारी मरती जा सगम पनी दम पम गम रे गे दसरे सधम दसा चारू कैसी। मैं दुखी यारी मरती जावा पुरिया धनाशी। अब ये सारा लेके चलते हैं। मैं दुखी यारी मरती जावा नजरे करो ते मैं तरती जावा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालन सिंदड़ी दा सेमन दा सखी शबा रखियो बला झूले
रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेमन दा सकी शबाज कलंदर सकी शबाज कलंदर वन टू थ्री तमा दम अली दम दम ने अंदर तमा दम तो 8-10 लोगों को मैं अपने साथ बिठाता माइक लेके। हाँ, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालन सिंधड़ी दा सकी शबाज कलंदर तमा दम मस्त कलंदर अली दम दम ते तमा दम मस्त कलंदर Gama bani